उसमें जो इनकी मानदेय वृद्धि 2013-14 के बाद में बिल्कुल नहीं हुई है, और आशा सहयोगनी ने जो कोविड के दौरान घर घर जाके सर्वे में जो सहयोग दिया और जो अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को, NHM में वृद्धि करने का पत्र भी भेजा, और हमें उम्मीद थी कि बजट के दौरान पैसा बढ़ेगा, और 2013-14 के बाद में कोई पैसा NHM के दौरान नहीं बढ़ा है। 100% अंशदान, उसके अंदर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार का अंशदान नहीं है, जबकि मानदेय कर्मचारियों का जो स्क्रूटनी होती है उसके तहत ये फिक्स है कि 60-40 का रेशो रहेगा, 60% राशि भारत सरकार की। तो नमस्कार दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका, रसोईया के वेतन वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर अंतिम मुहर जो है कि लगने का समय बहुत करीब आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी इस पर जो है कि प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए तिथि तय कर चुकी है, और यह अगले कुछ दिनों में प्रस्ताव जो है कि कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा और वेतन वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव अंतिम रूप मुहर लगाकर कैबिनेट में पास कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है कि देश के 28 राज्यों में जो है कि महिला कर्मियों का वेतन, महिला कर्मचारियों का वेतन, जिनमें आंगनबाड़ी सेविका का 18,000, सहायिका का 15,000, आशा कर्मी का 12,000 और जीविका का जो है कि 7,000 और MDM रसोईया का 6,000 हो जाएगा। तमाम महिला कर्मियों को जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होना शुरू होगा, और इसको लेकर पहले ही राष्ट्रपति कार्यालय जो है कि केंद्र की मोदी सरकार को आगाह करते हुए जो है कि पत्र लिख चुकी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जो है कि महिला कर्मियों के वेतन वृद्धि में हो रहा विलम्ब का कारण दर्शाते हुए पूछा गया है कि चुनाव पूर्व जब कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी तो अब तक महिला कर्मियों का वेतन वृद्धि क्यों नहीं हुआ, जिसका जवाब जो है कि केंद्र के अधिकारियों के पास नहीं है, और केंद्रीय मुख्य सचिव जोरावर सिंह चौधरी ने एक बार फिर बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय लगातार इस पर जो है कि नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने का कार्य राजभवन राष्ट्रपति भवन करता आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि फैसला पारित कर दिया जा चुका है, जिसमें 12 मासिक कर्मियों को जो है कि राजकर्मी और मानदेय के जगह पर वेतन मान दिए जाने का प्रस्ताव है, उसी को ध्यान में रखते हुए 22,000 से 21,000 और 25,000 रुपये TA DA आदि महंगाई भाता, आवास भाता, यात्रा भाता जोड़कर मिलने शुरू होंगे, और तमाम तरह की जो है कि भत्तों वगैरह का जो है कि प्रावधान किया जाएगा, और उन सभी बातों के माध्यम से जो है कि कल मानदेय की राशि 18,000 से अधिक यानी कि 22,000 से 25,000 होना आवश्यक है, तब जाकर महिला कर्मियों के वेतन में जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि आदि की कटौती संभव है, उनके भविष्य निधि के खाते में राशि जमा किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार राशि जमा करेगी। आपको बताते चले कि महिला कर्मियों को बहुत सारे लाभ मिलने जा रहे हैं, जिसमें महिला कर्मियों का वेतन 18,000, ग्रेजुएटी पेंशन, रिटायरमेंट आवास भत्ता, मेडिकल खर्च, मोबाइल खर्च, और जो है कि तमाम तरह के जो भत्ते होते हैं वह सारे भत्तों का प्रावधान केंद्र व राज्य सरकारों के निजी कोष से, संयुक्त कोष से करने की व्यवस्था कैबिनेट में पारित होने जा रही है। पेंशन की राशि NPS की नई पेंशन योजना के तहत 6,000 राशि निर्धारित है, जो कि इनको मिलने रिटायरमेंट के बाद मिलने शुरू होंगे। तमाम महिला कर्मियों को जो है कि आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर जो है कि निर्भर नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने को अग्रेतर जो है कि है, जिसको लेकर जो है कि खबरें लगातार मीडिया में चल रही थी महिलाओं का जो वेतन वृद्धि होने वाला है, किंतु अब तक जो है कि वह घड़ी नहीं आई थी, लेकिन अब वह समय आ गया जब इन महिला कर्मियों का इंतजार समाप्त होगा और इन्हें वेतन वृद्धि का बम्पर तोहफा जो है कि मिलेगा। आपको बताते चले कि तमाम महिला कर्मी इसे लाभान्वित होने की दिशा में सरकार जो है कि अंतिम पहल शुरू हो चुका है, और महिलाओं का जो है कि कुल मिलाकर वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि का लाभ सरकार देगी, और उनके वेतन को 18,000 से 25,000, 22,000 करके जो है कि अधिक माना जा रहा है कि होगा, और महिला कर्मी 21 से 22,000 रुपये से कम मानदेय पर कार्य जो कर रही है उनको जो है कि
25,000 तक राशि मिलेंगे और इनको सीधे CFMS प्रणाली से इनके खाते में भुगतान किए जाएंगे। इसको लेकर राज्य सरकारों के साथ जो है कि लगातार वर्चुअल मीटिंग चल रही थी और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्यों के मुख्य सचिव के साथ वार्ता कर केंद्रीय अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो वित्तीय बोर्ड भार पड़ेगा वह 40% की राशि राज्य सरकार को भुगतान करना उनकी बाध्यता होगी और राज्य सरकार भुगतान नहीं करेगी तो उनके विकास फंड को रोका जाएगा और जो है कि समय रहते केंद्र सरकार उसमें जो है कि 40% और 60% दोनों वित्तीय भार अपने बूते पर लेते हुए भुगतान सुनिश्चित करेगी। सरकार अपने केंद्र की राशि से भुगतान करेगी और कुल मिलाकर सारी राशि को मिलाकर समेकित रूप से महिला कर्मियों को जो है कि 22,000 से 25,000 तक वेतन वृद्धि का प्रावधान की जा रही है और कार्यवाही अब सब कुछ दिनों बाद शुरू हो चुकी है। जो सबके समाप्त होते ही महिला कर्मियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि राष्ट्रपति भवन के लगातार प्रयास के बाद केंद्रीय अधिकारी बताते हैं कि एक अध्यादेश लाकर तमाम राज्यों के महिला कर्मियों को एक समान वेतन यानी कि सेवा शर्त के लागू करने की तैयारी है और इस पर काम जो है कि अंतिम चरण में है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के 28 राज्यों में नई मानदेय की दरें लागू हो जाएंगी जो CFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे महिलाओं के खाते में भुगतान होना सुनिश्चित होगा। यहां हम आपको बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है कि फाइल प्रस्तुत किया जाना है। वित्त विभाग और विधि विभाग से पहले ही मंजूरी ली जा चुकी है। आशा कर्मी का मानदेय 12,000 से अधिक होगा। इसमें EPF और जो है कि तमाम तरह के भत्ते जुड़ेंगे। उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका के जो है कि 18,000 के मूल मानदेय में तमाम तरह के अन्य जो भत्ते इंक्लूडेड होंगे वह मिलाकर जो है कि 22,000 से 25,000 इनके वेतन बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही जो है कि सेविका, सहायिका, जीविका, ANM, रसोईया आदि महिलाओं को भी एक सेवा शर्त तय कर तमाम राज्यों में जो है कि मानदेय का निर्धारण नए सिरे से कर नई दरों के अनुरूप भुगतान शुरू करने हेतु जो है कि केंद्रीय कैबिनेट में फाइल प्रस्तुत किया जाना जो है कि संभावित है। इसको लेकर जो है कि केंद्रीय मुख्य सचिव जोरावर सिंह चौधरी जो है कि लगातार अपडेट दे रहे हैं। उनके द्वारा जो है कि एक बार फिर हमारे दिल्ली के सूत्रों से संपर्क करने पर बताया गया कि बहुत जल्द ही जो है कि अंतिम चरण में मामला है। इस पर फैसला लेकर जो है कि केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगवाते हुए तमाम राज्यों के महिला कर्मियों को एक जो है कि न्यूनतम मानदेय की दर जिसमें सारे भत्ते और जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं इंक्लूडेड हो एक लागू किया जाएगा और 28 राज्यों में यह लाभ जो है कि मिलने शुरू हो जाएंगे ताकि महिला कर्मियों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन का इम्प्लीमेंट हो सके और तमाम जो है कि संस्थाओं के द्वारा जो है कि महिला कर्मियों की वकालत पर जो है कि कार्यवाही का जवाब सबमिट किया जा सके। तो जय हिंद, जय भारत।